अमेरिका के शिकागो शहर में एक सिरफिरे ने लगातार अलग अलग जगहों पर फायरिंग करते हुए 7 लोगों को गोलियां मार दी। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत होगी जबकि 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मुठभेड़ में इस शख्स को मार गिराया है। हत्या की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। जाँच में पता लगाया जा रहा है कि शिकागो के पुलिस अधीक्षक डेविड ब्राउन ने बताया कि 32 वर्षीय जैसन नाइटेंगल ने पहले शिकागो विश्वविद्यालय के 30 साल के एक छात्र के सिर में गोली मारी, फिर एक अपार्टमेंट में जाकर वहां तैनात 46 वर्षीय गार्ड को गोली मार दी। ये शख्स यहीं नहीं रुका, इसके बाद इसने एक महिला को भी गोली मार दी। 70 वर्षीय इस महिला की हालत बहुत गंभीर है। महिला को गोली मारने के बाद नाइटेंगल ने बंदूक के दम पर एक शख्स से उसकी कार छीन ली और दुकान में घुस गया। यहाँ उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं जिससे एक 20 साल के व्यक्ति की मौत हो गई और 81 वर्षीय एक महिला घायल हो गई। इसके बाद नाइटेंगल ने दुकान के बाहर कार में बैठी 15 साल की लड़की पर भी गोली चला दी। ये लड़की अपनी माँ के साथ जा रही थी। गोली चलाने के बाद नाइटेंगल वापस स्टोर में घुसा और बंदूक के दम पर स्टोर लूटने की बात कही और लोगों को डराने लगा। यहाँ घटना की जाँच कर रही पुलिस पर भी उसने गोलियाँ चलाईं। हालांकि इस बार कोई घायल नहीं हुआ। दुकान से निकलने के बाद आरोपी रेस्तरा पहुंचा और एक महिला के सिर में गोली मार दी। रेस्तरा से निकलने के बाद शख्स को पुलिस ने पार्किंग क्षेत्र में घेर लिया जिसमें मुठभेड़ के दौरान वह मारा गया। तो बने रहें इनकाउंटर न्यूज़ पर।